गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। टुडे इज अवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो टुडे वी लिसन अ स्टोरी। तो स्टोरी कौन सी है? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। तो बबल याने फुग, बलून, बुलबुला। स्ट्रॉ याने जो हम कोकोनट में स्ट्रॉ डाल के कोकोनट का पानी पीते हैं, वो स्ट्रॉ। शू याने जूता। तो लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक वक्त की बात है कि वहां पे एक बबल यानि बुलबुला, स्ट्रॉ और शू, ये तीनों रहते थे। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। तो एक दिन वो लोग जंगल में गए। दे कम टू अ रिवर। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। तो वो लोग एक नदी के पास गए, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो लोग नदी कैसे पार करे। द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। तो शू ने कहा कि हमें तुझ पर से तैरने दे। ये देखो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो उसने क्या कहा शू ने कि नहीं, तुम एक काम करो, स्ट्रॉ को बोलो तो वो हम सबको इस पार से उस पार नदी पार करवाए। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो उसने अपने आप को ऐसे किया, ये देखो दिखाई दे रहा है ना ऐसे। देन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, इट ब्रोक। The shoe fell into the water with a loud splash. तो क्या हुआ, उस पे शू पे बुलबुला गिरने के वजह से पानी की बूंद, छींटे बूंदे गिरने की वजह से वो पानी में डूब गया। The bubble shook with laughter and brushed with a बिग बैंग। तो बुलबुला हंसने लगा और जोर से हंसने के कारण वो फट गया। ओके, एक कहानी आप लोगों को समझ में आई। न्यू वर्ड्स, तो ये जो सारी स्टोरी थी उसमें से न्यू वर्ड्स कौन से हैं? बैंक, बबल, ब्रश्ड, क्रॉस, रिवर, शूज एंड स्प्लैश। और ये आपको खुद रीड करना है। पेज नंबर कौन सा है? तो पेज नंबर 22 है। ओके, और ये अब आपको घर से होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।